Hey guys, welcome back to our channel. So आज जो वीडियो है इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट अबाउट स्कूलिंग इन जर्मनी. जब हम होम कंट्री में हो रहते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं कि भाई यहाँ पे जर्मनी में स्कूलिंग कैसे होती है, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स, व्हाट आर द गाइडलाइंस, क्या यहाँ वहाँ की स्कूलिंग और यहाँ की स्कूलिंग में बहुत डिफरेंस होता है, व्हाट इज़ द मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग सो दैट हम थोड़ी हमारी लाइफ ईजियर हो जाए, एंड व्हाट आर सर्टेन मिथ्स अबाउट स्कूलिंग पार्ट, जो कि मैं आज के वीडियो में सारे डिटेल में बताने वाली हूँ. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले वी विल टॉक एवरीथिंग अबाउट स्कूलिंग इन जर्मनी, कि यहाँ पे व्हाट आर द गाइडलाइंस, व्हाट आर द मेथोडोलॉजी जो यहाँ पे फॉलो की जाती है. सो आज के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में है दो मिथ्स जो हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे स्कूलिंग कैसे होती है, व्हाट इज़ द ट्रेडिशन, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन एंड व्हाट इज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. यहाँ पे जो बच्चे प्री प्राइमरी में होते हैं वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो सारी चीज़ें इन डिटेल में पता लगेगी. बट उसके लिए आपको एक ही चीज़ करना है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहला मिथ ये है कि कैन आई टेक एडमिशन इन जर्मनी बाई स्टेइंग इन माई होम कंट्री. सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप होम कंट्री में रह रहे हैं और आपको आके जर्मनी में एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पे आना होगा. यू नीड टू कंसल्ट विद द स्कूल, देन ओनली यू कैन टेक इट. सो लेट्स सी इन डिटेल कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं. सबसे पहले, In order to get registered for any primary school, you need to have the enrollment part जो कि 6 to 11 months पहले चलती है, so that you need to register early to your catchment area. Catchment area का मतलब होता है कि जहाँ पर आप रहते हैं वहीं के आजू बाजू में आपको वहाँ के schools मिलेंगे. Second चीज़ ये है कि जब आप स्कूल से बात करते हो तो योर लोकल स्कूल आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, वो आपको फिल करना होता है एंड देन यू हैव टू सेंड टू अ लोकल रजिस्ट्री ऑफिस जिसे बोलते हैं बुर्गर आम्ट. एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर विद इन योर स्टेट, हर एक स्टेट के थोड़े से प्रोसीजर डिफरेंट होते हैं. नेक्स्ट, ये सब होने के बाद यू नीड टू हैव दिस डॉक्यूमेंट विद यू, दैट इज़ अ बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, यानी रेसिडेंस परमिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बगैर आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगी. सो दैट्स वाई आई वॉज टेलिंग यू कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक द एडमिशन फ्रॉम योर होम कंट्री, बिकॉज रेसिडेंस परमिट मतलब एकोमोडेशन के लिए आपको यहाँ पर आना ही होगा. एंड After taking all the documents, your child will need to undergo a medical checkup and जो भी इसके cognitive skill है, motor skills है, आपको ये forms में fill करना होता है and then you need to submit to the school. Now, तो second myth की बात करें, second myth के बारे में ये है कि I can take holiday from school when I want without any reason. आपको क्या लगता है कि जैसे होम कंट्री में आप छुट्टियाँ ले लेते हो अपने मन के हिसाब से, वो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक अ लीव विदाउट अ रीज़न. इफ़ यू अनविल तो आपको डॉक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, दैट इज़ टू कन्फर्म इट. एंड होम स्कूलिंग जो होती है, इट इज़ नॉट एट ऑल अलाउड इन जर्मनी. आप घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हो. और तो और, यू नीड टू पे अ बिग फाइन अगर आपने बहुत ज़्यादा छुट्टी ले ली, मतलब एक दो दिन का नहीं बल्कि एक हफ्ते से एक महीने तक की छुट्टी ले ली, तो आपको ज़्यादा फाइन पे करना पड़ सकता है. सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि अपने हिसाब से नहीं होती ये चीज़ें. नाउ आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि हाउ इज स्कूलिंग इन जर्मनी टेक प्लेस फॉर प्री प्राइमरी क्लास फ्रॉम पोस्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड. क्या डिफरेंस है जो कि होम कंट्रीज वर्सेस जर्मनी में है? तो सबसे पहले चीज़,
था वो ये देखना है कि यहाँ पे ग्रेडिंग यानी मार्क्स कितना अचीव किया इस पे ध्यान नहीं होता, बल्कि देर कौन उनका ध्यान होता है कि हर एक बच्चा हर एक्टिविटीज़ को कौन से स्किल लेवल पे लेता है। दैट मीन्स जो भी असेसमेंट होती है वो इट्स नॉट अबाउट एजुकेशनल अचीवमेंट बट इट इज़ अबाउट द स्किल पार्ट ऑफ एवरी किड। राइट नाउ द ओपिनियन ऑफ टीचर इज़ ऑलवेज डिस्कस विद पेरेंट्स, मतलब हर एक मोमेंट पे टीचर एंड पेरेंट्स का डिस्कशन होता है। नाउ जर्मन एजुकेशन जो है इट्स वेरी कंपल्सरी एजुकेशन, सो जो भी एक्टिविटीज़ है इवेंट्स हैं उन सब में पार्टिसिपेट करना पड़ता है एंड यही चीज़ पेरेंट्स को भी रेगुलरली फॉलोअप लेना पड़ता है कि कहाँ तक उनके बच्चों ने प्रोग्रेस की है। दिस इज़ हाउ द स्कूलिंग सिस्टम इन जर्मनी टेक प्लेस। नाउ ये ट्रेडिशन कोई नया नहीं है, ये सबको पता है कि जर्मनी में शूल ट्यूटर ट्रेडिशन होता है फॉर फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट। जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है तो ये शूल ट्यूटर ट्रेडिशन बहुत धूमधाम से फॉलो की बनाई जाती है यहाँ पे। सो अगर आपने शूल ट्यूटर का वीडियो नहीं देखा है गो एंड चेक आफ्टर दिस वीडियो सो दैट यू हैव अ कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली शूल ट्यूटर है क्या एंड उसमें हमें क्या क्या करना होता है। राइट नाउ तो व्हाट इज एग्जैक्टली अ शूल ट्यूटर? शूल ट्यूटर मतलब स्कूल कोन, इट इज नोन एज जूकर ट्यूटर। जूकर मतलब शुगर होता है, शुगर कोन। इट इज अ लार्ज कोन शेप कंटेनर जहाँ पे पेपर या कार्डबोर्ड या प्लास्टिक से बनते हैं एंड उसके अंदर बहुत सारे कैंडीज चॉकलेट्स टॉयस या स्कूल सप्लाई सारी चीज़ें भर के बच्चों को खुश किया जाता है ताकि बच्चे स्कूल जा सकें। नाउ अंदर दिस कोन इज गिवन टू द चिल्ड्रेन सो दैट उनका जो फर्स्ट डे है बहुत स्वीटर पार्ट से स्टार्ट हो सके। तो ये मोस्टली फर्स्ट स्टैंडर्ड, जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है स्कूल में जर्मनी में ये ट्रेडिशन फॉलो की जाती है। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स टॉट इन पब्लिक बोर्ड स्कूल इन जर्मनी, मतलब क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते, क्या ये सेम हमारे होम कंट्री के जैसे ही हैं सारे सब्जेक्ट्स होते हैं या दो तीन होते हैं या ऐसे कुछ भी नहीं होता है। सो लेट्स सी, सो जर्मन एजुकेशन सिस्टम की बात करें सो द फर्स्ट टू फोर्थ का जो क्राइटेरिया है वो लोग ऐसे रखते हैं कि 3 days per week एंड 2x a week उनका ये शेड्यूल होता है एंड दे उनकी जो क्लासेस होती है वो मोस्टली 45 मिनट्स की क्लास होती है विद 3 or more subjects। ठीक है, 45 मिनट्स की क्लास होती है। नाउ व्हाट आर द सब्जेक्ट्स? सब्जेक्ट्स आर मैथ्स, आर्ट, इंग्लिश, डॉयश यानी जर्मन, रिलीजन, फिजिकल एजुकेशन, क्राफ्ट एंड म्यूजिक, ये सारे सब्जेक्ट्स रेफर होती हैं एंड देयर इज़ नो हिंदी मराठी इवे स्कूल सब्जेक्ट्स नहीं होती है स्कूल में। यू अगर आपको हिंदी मराठी सिखानी है तो आपको खुद यू हैव टू टेक द पेन एंड यू नीड टू टीच योर किड। नाउ दो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये होती है कि देयर इज़ अ ब्रेक पीरियड। ब्रेक पीरियड मतलब इट्स लाइक रिसेस जो हम बोलते हैं बट इट इज़ अ यूजुअली अ शॉर्ट एंड लॉन्ग ब्रेक जिसे बोलते हैं ग्रोज़र मीन्स अ लॉन्ग ग्रोज़र पाउज़र। अगर आप ये वर्ड सुनोगे तो आप ये समझ जाना कि ग्रोज़र पाउज़र मीन्स इट्स अबाउट लॉन्ग ब्रेक। ठीक है नाउ तो यहाँ पे ऐसे भी माना जाता है कि फिज़िकल एजुकेशन होती है बट जर्मन स्कूल्स की अगर बात करें तो दैट इज़ मोर एकेडमिक एंड हैविंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच। नाउ व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड स्कूल टाइमिंग? बच्चों की स्कूल कब से होती है एंड क्या टाइम ड्यूरेशन होता है? सो जर्मन स्कूल जो होता है वो मोस्टली सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 11:30 या 1 बजे तक होती है। सो द स्टूडेंट्स नीड टू रीच द स्कूल बाय 7:45 शार्पली। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों को पंक्चुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आपको पता है कि जर्मनी में पंक्चुअलिटी इज़ मस्ट, इट इज़ एवरी किड एवरी पीपल एवरी एडल्ट नीड टू फॉलो द पंक्चुअलिटी रूल।
सो आपको स्कूल में 7:45 तक टच हो ही जाना चाहिए। एंड सेकेंड, यहाँ पर अगर आप बात करें तो एक OGS यानी डे केयर इन स्कूल की बात होती है, जो कि इट्स लाइक अ डे केयर इन स्कूल, जो कि आफ्टर नॉर्मल स्कूल होता है, इट इज़ फ्रॉम 1 PM to 4 PM आप डाल सकते हो इफ द पेरेंट्स आर वर्किंग देन। सो OGS में कैसे होता है कि यू नीड टू कनेक्ट टू द स्कूल कि उनके पास सीट्स है या नहीं। इफ द सीट इज देयर यू नीड टू बुक इट एंड यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस डिपेंडिंग ऑन योर इनकम। नाउ इन OGS आप क्या करते हैं बच्चे, सो इन OGS बच्चों को जो टाइम मिलता है वो अपने होमवर्क्स कंप्लीट करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, लॉट ऑफ गेम्स आर देयर एंड हॉट लंच एट कैफेटेरिया, मतलब खाना भी मिलता है, गरम खाना मिलता है एंड लॉट ऑफ अदर गेम एक्टिविटीज जो होती है वो OGS में प्ले करते हैं। सो बच्चे बोर नहीं होते एंड इवन पेरेंट्स कैन वर्क एंड किड्स इज इन सेफ प्लेस एंड सेफ हैंड। नाउ व्हाट आर द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अंडरटेकन इन स्कूल, मतलब ये तो बात हो गई कि पढ़ाई में ये सब्जेक्ट्स हैं, बट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग होती है, मतलब हर एक हफ्ते योर म्यूजिकल टीचर विल कम एंड यू नीड टू टेक वन इंस्ट्रूमेंट एंड यू नीड टू लर्न फॉर नेक्स्ट 6 months एंड देन और एक दिन होता है जिसे बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा डे, जहाँ पे सारे लोग स्पेशलाइजेशन म्यूजिक में, तो कोई पियानो बजा रहा है या कोई गिटार बजा रहा है, सो इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर एंड प्ले द म्यूजिक। तो इस तरह से जर्मनी में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग होती है। सेकेंड, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है स्कूल में। थर्ड इज अबाउट साइंस एक्सपेरिमेंट्स, मतलब बहुत सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि व्हाट इज द कैम एग्जैक्टली साइंस एक्सपेरिमेंट टेक प्लेस, व्हाट इज बीकर, व्हाट इज ड्रॉपर, हाउ मच ml यू नीड टू टेक, सो दिस आर ऑल द पार्ट ऑफ साइंस एक्सपेरिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज नेचर रिलेटेड एक्टिविटी, जिसे बोलते हैं सस्टेनेबल लिविंग, मतलब यहाँ पे नेचर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है ताकि बच्चे नेचर के साथ कनेक्ट हो सकें एंड लीव अ सस्टेनेबल लिविंग विद इट। सो नेचर से रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं एंड आप ये जान के सरप्राइज हो जाओगे कि यहाँ पे कारपेंट्री एक्टिविटीज़ भी होती है कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही हाउ टू डू, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे एवरी पर्सन इज इंडिपेंडेंट, वेदर इज पेंटिंग, ड्राइंग, या घर को ही पेंट करना है या कार को ही रिपेयर करना है, दे डू विद देयर ओन इन मोस्ट केसेस। सो यहाँ पे इंडिपेंडेंसी का जो फील है इट इज़ फ्रॉम द डे वन। सिमिलरली यहाँ पे कारपेंट्री एक्टिविटी भी सिखाते हैं फ्रॉम डे वन एंड ऊल एंड स्टिचिंग एक्टिविटी, मतलब ये भी ऊल स्टिच कैसे करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम ही हो गए तो स्टिचिंग कैसे करना है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे सिखाई जाती हैं। नाउ DIY एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ भी होती है, फेस्टिवल्स की एक्टिविटीज़ होती है, सो देयर आर सो मैनी। नाउ हाउ इज़ द रिजल्ट इंटरप्रेटेड फॉर फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड, हो कैसे रिजल्ट इंटरप्रेट की जाती है फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड की। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कि देयर इज़ नो एग्ज़ाम कंडक्टेड फॉर फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड। होता ऐसा है कि बाय द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ग्रेड चिल्ड्रन को ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र किया जाता है ग्रेड टू में, रिगार्डलेस द लेवल ऑफ नॉलेज जो भी बच्चों को है। बट स्टार्टिंग फ्रॉम डे टू दिस चिल्ड्रन आर अवॉर्डेड अ सुटेबल मार्क डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज दे अटेंड ड्यूरिंग द स्टडी एंड बच्चों को जज किया जाता है कि उनको कितना आ रहा है एंड इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अटेन द सेम नॉलेज सो मे बी उसको वो ग्रेड रिपीट करना पड़ सकता है। नाउ हाउ इज़ होमवर्क शेड्यूल एंड एक्चुअली होमवर्क देते हैं यानी स्कूल में एंड व्हाट इज़ द टीचर करेक्शंस। सो रेगुलर होमवर्क जो होती है स्कूल से प्रोवाइड की जाती है एंड अगर आप OGS के लिए ऑप्ट करते हो तो होमवर्क स्कूल में ही करना होता है बच्चों को एंड करेक्शंस ऑफ होमवर्क एंड आंसर शीट जो है इट इज़ डन बाय टीचर वेरी स्ट्रिक्टली। जो भी कमेंट्स है, जो भी फीडबैक्स है,
वो ऑलरेडी पेपर पे चेक करने के बाद दे कमेंट इट सो दैट पेरेंट्स कैन हैव अ लुक ऑन इट एंड और कोई भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शीट्स या नोटिस है जो पेरेंट्स को देना है इट इज़ ऑलवेज सेट इन पोस्ट मैपर. पोस्ट मैपर इट्स लाइक अ फाइल, येलो कलर फाइल, बिग फाइल जहाँ पे रखा जाता है. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच इन मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट. यहाँ पे मैंने देखा है कि एवरीवन एवरी किड इज बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेके मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट्स करते हैं. दिस नो बाय हार्टिंग कॉन्सेप्ट हियर इट्स बाय फोनिक्स द किड्स लर्न. हाउ इज एग्जाम कंडक्टेड एंड व्हाट इज द ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ दिस. सो व्हाट शुड आई डू. सो देयर इज नो एग्जाम कंडक्टेड एज आई टोल्ड यू. सो यहाँ पे एक स्कूल रिपोर्ट दी जाती है जिसे बोलते हैं ज्यूमियस. इट टेल्स अबाउट द मार्क अचीव ड्यूरिंग अ स्कूल ईयर. मतलब ग्रेडिंग सिस्टम दी जाती है हर एक बच्चों को कि कैसे परफॉर्म किया है, म्यूजिक में कैसे परफॉर्म किया है, इंग्लिश में कैसे परफॉर्म किया है, डॉयश में कैसे परफॉर्म किया है. इट्स ऑल अबाउट द ग्रेडिंग सिस्टम. सो ये जो प्रोग्रेस ऑफ किड है इट इज़ डिपेंड ऑन सिक्स ग्रेडिंग सिस्टम 1, 2, 3, 4, 5 and 6 वेरी गुड टू वेरी पुअर के रेंज में डिफरेंट ग्रेडिंग सिस्टम पे बच्चों को एक्नॉलेज की जाती है. सो गाइज आई होप आई हैव गिवन यू द राइट इंफॉर्मेशन एंड जो भी लोगों को ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो मैंने बहुत इन डिटेल बताई है एंड आई होप दैट आई हैव हेल्प यू इन सम वे. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और फीडबैक और इफ़ यू हैव स्टक अप विद समवेयर एंड यू नीड एनी सपोर्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली हेल्प यू आउट विद द राइट इंफॉर्मेशन. सो टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ़ यू हैवन. टिल देन बाय.